मेघालय के अंदर टीएमसी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए दरवाजे खोले हैं। एक साथ 12 विधायक एलओपी समेत टीएमसी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये जो ज्वाइनिंग की कोशिश कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का ये साजिश सिर्फ मेघालय में नहीं, सारे उत्तर पूर्व राज्यों में हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि तृणमूल पार्टी की और एक दावेदार है प्रशांत किशोर और उनकी एक कंपनी, और उसके साथ जुड़े हुए हैं फेलेरो जी, गोवा में जो एक सीएम थे। फेलेरो जी को कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेवारी सौंपे थे कि आप नॉर्थ ईस्ट में खासकर मेघालय को आप जिम्मेवारी संभालो। जब फेलेरो जी वहां के ऑब्जर्वर बन के पहुंचे, उसके बाद चुनाव के समय अपने जाने पहचाने लोगों को टिकट भी दिए थे, और ये फेलेरो जी कांग्रेस में शामिल होने के बाद फेलेरो और पीके के टीम दोनों मिलकर मेघालय को तोड़ना शुरू कर दिए थे। ये हमारे पास एक खबर पहले ही थे, लेकिन वो लोग कुछ दिन रुके हुए थे, लेकिन जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो एक के बाद सिलसिलावार तरीके से कांग्रेस को तोड़ने का हवा पैदा करने के लिए ये सारे बचा के रखा था, क्योंकि ये हमारे पहले से ये जानकारी थी कि मेघालय में ये होने वाला है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा ममता जी को, ठीक है कांग्रेस को तोड़े हैं आपने, बहुत बड़ी काम किए हैं, लेकिन अभी भी वो जो एमएलए है उनकी जेब में कांग्रेस की सिंबल है, कांग्रेस की सिंबल लेके जीते हैं और आपका पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर हिम्मत रहे, दम रहे, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपकी पार्टी में शामिल होने का पहले उनकी जेब से जो कांग्रेस की सिंबल है वो निकाल के टीएमसी के सिंबल में तबादला कर दीजिए, चुनाव में उतारिए, चुनाव में जीते और आपको पार्टी में शामिल कीजिए फॉर्मली। ये मैं चुनौती देता है।